चाउमीन बनी हुई मिल गई और हम दोनों क्लासमेट हैं। मेरी बेटी अभी कितने के साल की है ना, और इसका बेटा सेकंड में पढ़ता है। अभी ये दे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति धामी ब्लॉग्स। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग आज मैं कर रही हूँ दिन में 2 बजे से स्टार्ट, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ा ढीली डाली चल रही है, और एक दो दिन से मैंने ब्लॉग डाले भी नहीं है क्योंकि तबीयत भी ऐसी हो रही थी, और पता नहीं क्यों यार बहुत मतलब ना इरीटेशन टाइप का अजीब सा फील हो रहा था। तो 2 दिन से तो मैंने वैसे भी ब्लॉग नहीं डाला है, और घर पर ही थी, मतलब वही डेली वाला रूटीन चल रहा था, तो मैं कुछ मन भी नहीं हुआ मेरे को ब्लॉग बनाने का, और फिर मैं बना भी नहीं पाई। तो आज अभी हम जाने वाले हैं नीचे शादी में। वैसे तो हम लोगों ने घर पे खाना वाना बना दिया दिन का, दाल भात, क्योंकि दादा आ रखे थे कल और उनको जाना था अभी ड्यूटी के लिए, तो खाना वगैरह तो बना दिया है। बाकी मैं, दीदी और बच्चे जाएंगे अभी शादी में, क्योंकि विनोद भी घर पर नहीं है, मम्मी जाती नहीं है, तो हम लोग जाएँगे अभी शादी में। और बड़ी मुश्किल से मतलब मैंने खुद को करके चलो तैयार हो ही जाते हैं, नहीं तो कहीं जाने के लिए तैयार व्यार होने के लिए ना मैं थोड़ा एक्साइटेड रहती हूँ, पर तब मैं थोड़ा ऐसी चल रही थी, इस वजह से मन भी नहीं हो रहा है, बट जाना तो पड़ेगा शादी में। तो अभी हो जाती हूँ मैं एक बार तैयार, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ ज्योति धामी ब्लॉग्स पे। शक्ल तो मेरी उजड़े चमन जैसी लगी रही है, मतलब बहुत अजीब सी यार, जाने का मन नहीं कर रहा, पता है। एक तो ना मेरा पिगमेंटेशन इतना ज़्यादा हो गया ना, मैं बता नहीं सकती, ये ठीक ही नहीं हो रहा है यार। किसी को कुछ भी बताओ ये कैसे ठीक हो सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ, या कहीं दिखाना किसी हॉस्पिटल किसी डॉक्टर को जो सही बताते हो और जानते हो और ठीक हो जाए, तो प्लीज़ मेरे को सजेस्ट कर देना। तो आप कोई नहीं, जाना तो है ही, तो ऐसी शक्ल लेके हम चलेंगे कहाँ शादी में। वैसे अभी थोड़ा रेडी वेडी होंगे ना, थोड़ा क्रीम पाउडर लगाऊंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, अभी बहुत ही डल लग रहा है फेस यार, बाय गॉड। मेरे को ना ऐसे कैमरा फेस करने में भी बहुत अजीब सा हो रहा है, क्योंकि तबीयत भी ख़राब है और फेस पे इतनी ज़्यादा डलनेस हो रही है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसा आप देख सकते हो। यूजुअली मैं ऐसे रहती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही कूदते फूदते फुदकते रहती हूँ, बट ठीक है। अभी हम इसी शकल के साथ, ठीक है, इसी शकल के साथ हम जाएंगे सीधे शादी में। तो मैं हो गई हूँ रेडी शादी के लिए, और भानु भी रेडी हो गई है, और ये रहा ये देख रहे हो इसको, इसकी शकल नीलवा बदान। तो हम जाएंगे सीधे कहाँ, शादी में, और रतीली दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो हम लोग निकल रहे हैं, हम चारों, दीदी मैं भानु और नीलेश, क्योंकि जिया की उम्र की थोड़ी तबीयत खराब, और जैसा मैंने बताया विनोद है नहीं घर में, दादा तो चले गए अपने ड्यूटी, मम्मी आती नहीं है, तो हम चार ही जाएंगे। अरे ये मैं कासू को कैसे बोल सकती हूँ यार, क्योंकि मैं कासू को नहीं लेके जा रही, पकड़ेगा कौन उसको, वो तो आतंक मचा देगी, क्योंकि वो अटकती नहीं ना एक जगह भी, ना उसके हाथ शांत रहते ना उसके पैर, तो इसीलिए। तो पहुंच तो गए हम लोग बारात वाले घर पे, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी ना भाई, और यहाँ तक ऐसी लाइन लगी है ना, तो मेरे बस की तो नहीं है इस लाइन में खड़े होने की, ठीक है। वो आगे यहाँ की जगह है ना, और अंदर ना पूरा भरा हुआ है, देखो मेरी दोस्त एक थाली रख दी, दो दो थाली में खा रही थी, बेटी की थी मतलब उसकी एक थाली, और देखो बेटा बड़े होने का फायदा, बेटा गया है पानी लेने के लिए, और हम दोनों क्लासमेट हैं। मेरी बेटी अभी कितने के साल की है ना, और इसका बेटा सेकंड में पढ़ता है, नहीं फर्स्ट में, KG2। अच्छा KG2 में। तो आगे भी है वो, हाँ, क्योंकि इसकी शादी ना 12th में ही हो गई थी, जब ये 12th में थी, तो अब इतनी भीड़ में तो हम नहीं खाएंगे, हम चलेंगे पहले ऊपर खाएगी तो खा, और उसके बाद खाएंगे हम खाना। तो रतीली हो रही है छत में, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा रतीली दिखाती हूँ, उसके बाद जाएंगे हम लोग खाना। Oh, yeah.
कम हो गई है। और यहाँ पे खाए जा रहे हैं गोलगप्पे, और हमारे आने तक चाउमीन खत्म हो गई थी, तो बन रहा है ना से घर। और मौसम ना हो गया बहुत ही ख़राब, मतलब ये पीछे देखो मेरे, बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा है, बट बारिश आएगी नहीं। तो मैं पहुंच गई अपने औलाद पास, और मेरी औलाद कचो मम्मा अप्पा कचो अप्पा मम्मा नहीं दीदी पापा कचो अप्पा मम्मा काशु हाउ आर यू आई हैप्पी कौन बोलेगा हैप्पी हैप्पी हाउ आर यू काशु आई हैप्पी ये दे ये बहुत खतरनाक है भाई बबकुल दी और यहाँ पे चल रहा है मेरी काशु का कैच कैच लो काशु कैच क्या है कासू ये क्या है क्या है ये बॉल है किसकी बॉल है तो जैसे मैंने बताया ना मेरी और के नागबंद और जुकाम तबियत और के खराब तो मैं ना ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई घर आने के बाद भी तो इस ब्लॉग को ना इतना ही रखते हैं आई जस्ट होप आप लोगों ने इन्जॉय करा हो और आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय